नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपठित श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक के आधार पर प्रश्न और उत्तर भी जानेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं अपठित श्लोक। पथि पाषाण विस्मः प्रग्रहः हिंसरा पश्वे परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेय चरण। तो सबसे पहले हम प्रत्येक शब्द के बारे में जानेंगे। जैसे पहला शब्द आया पथि। पथि का मतलब होता है मार्गे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मार्ग, मार्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है पाषाणा। पाषाणा, पाषाणा मीन्स पत्थर, पाषाणा मीन्स पत्थर। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, बहुवचन। क्या? पाषाणा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नेक्स्ट है विषमा प्रखरा। विषमा, विषमा का मतलब होता है असामान्य या उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ का मतलब ऊंचे नीचे। क्या है? पाषाणा पत्थर है। तो पत्थर कैसे हैं? विषमा। विषमा का मतलब असामान्य है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचे नीचे पत्थर है। तो इस पत्थर की विशेषता बता दी कि पत्थर कैसे हैं? विषमा, ठीक है। नेक्स्ट एक विशेषता और क्या है? प्रखरा। प्रखरा मीन्स नुकीले। पत्थर क्या है? नुकीले। तो पत्थर के दो विशेषण है, विषमा प्रखरा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिंसरा पश्वे परितो घोरा। हिंसरा का मतलब होता है हिंसक, हिंसरा। इसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, हिंसरा। हिंसरा मीन्स हिंसक, हिंसक। क्या? पशव है। यहां पर देखिए पशु जो शब्द है, पशु, पशु इस प्रकार से, फिर पशु द्विवचनीय और पशव है, ये बहुवचन, ये भी बहुवचन है पशु। तो पशव है, इसका विशेषण क्या है? हिंसरा। पशु कैसे हैं? हिंसक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परितो घोरा। परितो, यहां पर संधि है परित है, ठीक है। आगे है घोरा। घोरा मीन्स भयंकर, घोरा मीन्स भयंकर है, और परित मीन्स चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। इसमें संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। किसमें? परितय प्लस घोरा, उत्व विसर्ग संधि है। परितय मीन्स चारों ओर, घोरा मीन्स भयंकर, ठीक है। अब नेक्स्ट सुदुष्करम। सुदुष्करम का मतलब कठिन, खलु निश्चय ही। अब देखिए नेक्स्ट, खलु मीन्स निश्चय, खलु निश्चय, ठीक है। यद्यपि, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? यदि धन अपि। संधि कौन सी है? यण संधि,
यण संधि है, यदि धन अपि। गमनम, गमनम में क्या है, गम धातु है और लुट प्रत्यय, लुट प्रत्यय है। गमनम में गम धातु लुट प्रत्यय है, ठीक है, और एक वचन है, एक वचन, ठीक है। सदैव, सदैव जो है यहां पर सदा, धन एव, ये संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। नेक्स्ट पुरतो हो, यहां पर भी संधि है, देखिए पुरत है, धन निधेई, निधेही, पुरत धन निधेही, यहां पर भी उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, यहां भी उत्व विसर्ग संधि है। पुरते का मतलब होता है सामने, निधेही मीन्स रखो, सामने रखो, ठीक है। और विधेही क्या है, लूट लगा, मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, निधि, ठीक है। पुरते मीन्स सामने, निधि मीन्स रखो, क्या रखो, चरणम, चरण रखो, और इसमें संधि कौन सी है, उत्व विसर्ग संधि, कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि है। अब नेक्स्ट, इस श्लोक में अव्यय कौन कौन से हैं, तो पहली लाइन में अव्यय है परितः, परितः, परितः मीन्स चारों ओर। दूसरी लाइन में अव्यय है खलु, तीसरी इसी में यदि और अपि, ये दोनों अव्यय हैं, यदि और अपि। नेक्स्ट है सदा धन एव, सदा ये भी अव्यय है, और एव ये भी अव्यय है, ठीक है। पुरतः, पुरतः है, ये भी अव्यय, तो ये अव्यय है श्लोक में। परितः मीन्स चारों ओर, सदा हमेशा, खलु निश्चय ही, एव ही, यदि यदि, अपि भी, पुरतः सामने, ये अव्यय, ठीक है। इस श्लोक के सभी शब्दों के विषय में हमने जान लिया। अब हम प्रश्न करते हैं, जिसे प्रश्न यदि हम कर रहे हैं तो आंसर तुरंत हमारा आना चाहिए, क्योंकि अपने प्रत्येक शब्द को देख लिया है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, उसके विषय में हमने जान लिया है, ठीक है। अब देखिए, मार्गे गमनम कीदृशं वर्तते, पहला प्रश्न है मार्गे गमनम कीदृशं वर्तते, रास्ते में जाना कैसा है। देखिए पथे, रास्ते में पत्थर असामान्य और नुकीले हैं, हिंसक पशु चारों ओर भयंकर हैं, सुदुष्करम कठिन है, खलु निश्चय यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना, कहां, रास्ते में। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, रास्ते में जाना कैसा है, तो क्या लिखेंगे, सुदुष्करम, सुदुष्करम, कठिन है, रास्ते में जाना कठिन, यह आंसर है, कौन सा, सुदुष्कर। नेक्स्ट है परितः घोरा हिंसरा चे के संति, परितः है घोरा हिंसरा से के संति, से के संति, परितः चारों ओर घोरा भयंकर चे और हिंसरा हिंसक के संति कौन है, चारों ओर भयंकर और हिंसक कौन है, तो देखिए परितः चारों ओर हिंसक और भयंकर क्या है, पशु है, चारों ओर हिंसक और भयंकर पशु है,
तो यहाँ के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा? पशु है। क्या आंसर होगा हमारा? पशु है। वन वर्ड में आंसर देंगे, पशु है। ठीक है, नेक्स्ट है पथि कीदृशा पाषाणा सन्ति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पथि रास्ते में कीदृशा पाषाणा सन्ति। रास्ते में कैसे पत्थर हैं? तो उत्तर क्या होगा हमारा? विषमा प्रखराच। विषमा प्रखराच। पूरे वाक्य में लिखें तो पथि रास्ते में पाषाणा विषमा प्रखरा से सन्ति। रास्ते में पत्थर विषम और नुकीले हैं। यह आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे सभी प्रश्नों के विषय में से हमने जान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि विषमा इति विशेषणस्य अत्र विशेष्य पदम किम्। विषमा इति विशेषणस्य विषमा इति विशेषणस्य अत्र विशेष्य पदम किम्। विषमा इति विशेषणस्य, इस प्रकार विशेषण का अत्र यहां विशेष्य पदम किम्। विशेष्य पद क्या है? विशेष्य का मतलब संज्ञा, विषमा क्या है? विशेषण है। तो कहने का मतलब विशेषण, विषमा उबड़ खाबड़ ऐसा मान्य क्या है? पाषाण पत्थर है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हुआ? पाषाण। आंसर क्या हुआ? पाषाण, यह आंसर हुआ। ठीक है, हिंसरा पशु परितो घोरा इत्यत्र अव्यय पदम के, हम ऐसे जान लेते हैं कि हिंसरा पशु परितो घोरा इत्यत्र अव्यय पदम के। तो अव्यय पद के विषय में हमने जान लिया कि यहां पर अव्यय पद क्या है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंसरा पशु परितो घोरा अत्र अव्यय पदम किम्। अत्र अव्यय पदम किम्, यहां पर अव्यय पद क्या है? तो हमारे को ऑप्शन प्राप्त हो जाए, मान लीजिए है परितो वै हिंसरा से परितु और दे परितः। साथियों ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, 4 दिए जाते हैं, आंसर एक होता है और 3 आंसर गलत होते हैं या दूसरे होते हैं। परितो यहां पर संधि नहीं की गई, हिंसरा संज्ञा है, परितु शब्द नहीं है, लेकिन परि उपसर्ग है, तू अव्यय, फिर है परितः है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है हिंसरा पशु परितो घोरा, इनमें अव्यय पद कौन सा है? हिंसरा पशु परितो घोरा, यहां पर अव्यय पद कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? परितः है, यह आंसर होगा परितः। ठीक है, पथि इति पदे का विभक्ति, जो पथि है, पथि इति पदे का विभक्ति, ऐसे प्रश्न आ जाता है, पथि इति पदे का विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? पथि इस पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है?
आंसर हुआ प्रथमा, ब आंसर हुआ सप्तमी, द द्वितीया, और द तृतीय। कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्ती, द्वितीया और तृतीया। जबकि विभक्ति के विषय में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो यहां पर विभक्ति होगी सप्तमी, सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, कि यद्यपि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करके हमें लिखना है, संधि विच्छेद करके लिखना है यद्यपि। तो इसमें संधि कौन सी होगी साथियों, देखिए यन संधि की डेफिनेशन याद कीजिए कि यद्यपि, यहां पर संधि कौन सी होगी, यदि धन अपि, ये संधि कर दी, संधि है कौन सी, यन संधि। हमें कैसा पता लगे कि यन संधि सही है, तो देखिए यदि यहां पर क्या है ई, ठीक है, और आगे क्या है ए, तो ई का क्या हो जाएगा साथियों, ये, ठीक है, और यहां शेष क्या रहा, ये और ते, ये शेष रहा, और यहां पर शेष क्या रहा, अपि, अपि रहा, ठीक है, यहां पर अपि रहा। अब यह और दे, दे को मिलाएंगे यह और फिर दे, और फिर यहां पर क्या मिलाएंगे, ये मिला देंगे, ठीक, इसमें ए मिला देंगे, ए मिलेगा तो पूरा दे हो गया, और ये यद्यपि, यद्यपि बन गया यण संधि, तो संधि विच्छेद ये होगा यदि धन अपि। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।